बरसात के कारण खेतों में पानी भर जाने और मक्खियों के चलते इन दिनों पशु सड़कों पर विचरण करने लगते हैं। जिले की तमाम सड़कों पर इन दिनों हजारों की तादाद में आवारा मवेशियों की मौजूदगी वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। छतरपुर जिले में खजुराहो झांसी फोर लेन हो या फिर जिले के अन्य हाईवे, सभी सड़कों पर इन दिनों हजारों की तादाद में मवेशी मौजूद हैं। इन्हें कायदे से गौशालाओं में होना चाहिए, लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है। इन मवेशियों के सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था के लिए जिले में तकरीबन 50 गौशालाएं मौजूद हैं, लेकिन जिला प्रशासन के ढीले रवैये के कारण इन गौशालाओं का कोई औचित्य सामने नहीं आ रहा है। इन दिनों सर्वाधिक दिक्कतें झांसी खजुराहो फोरलेन पर हैं। जिले की सीमा प्रारंभ होते ही अलीपुरा से लेकर बमीठा तक हजारों पशु आपको इस फोरलेन पर नजर आएंगे। इस फोरलेन पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। जब अचानक इस तेज रफ्तार वाहन के सामने पशु आते हैं तो कई बार वाहन चालकों और पशुओं की जान चली जाती है। पिछले 2 महीने में छतरपुर जिले में इस हाईवे पर सड़क हादसों में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस फोरलेन से पशुओं को हटाने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों की है, लेकिन ये विभाग आपस में चिट्ठियां लिखकर अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इस बारे में जब हमने NHAI के परियोजना निदेशक PL चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसी महीने हम 3 बार पत्र लिख चुके हैं। फोरलेन पर मौजूद गाय, भैंस, गधे, बकरी और घोड़े को हटाने के लिए पुलिस और पंचायतों को ही आगे आना होगा। इनके मालिकों को विरुद्ध जुर्माने लगाए जाएं, तभी इस पर अंकुश लग सकता है। गौवंश को गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिए भी पत्र लिखा है, लेकिन हमारे पत्रों पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लगातार इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन पशुओं को हटाने के लिए अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा, छतरपुर के लिए वरदान। 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, TVS शोरूम के पास, होटल ला कैपिटल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।